इस गांव में तुम मुझे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए और ये राज तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। अगर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता चला तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझ गई ना? जी मालिक, मैं समझ गई। प्रताप वैशाली गांव की जमींदार था। उसके घर में बेटी ने जन्म ली थी जो साक्षात लक्ष्मी की तरह दिखती थी, इसलिए प्रताप अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखा था। मोहिनी की रूप रंग को लेकर उसकी माँ पार्वती और प्रताप को बहुत गर्व था। पूरे वैशाली गांव में मोहिनी की तरह सुंदर और कोई भी नहीं थी। अले, मेरी गुड़िया को मेरी ही ना नजर लग जाए, बिल्कुल परी जैसी दिखती है मेरी बेटी। कुछ दिनों में ही प्रताप का भाई रणविजय की पत्नी कामिनी ने भी एक लड़की को जन्म दिया, पर रणविजय की बेटी मोहिनी की तरह गोरी और सुंदर नहीं थी। पर रणविजय और उसकी पत्नी बेटी को पाकर बहुत ही खुश थे। लगता है पिछले जन्मों में हमने कोई अच्छा काम किया था, इसलिए हमारे घर में लक्ष्मी जी आई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज से मेरी बेटी का नाम है दीप्ति। ये बहुत ही सौभाग्यवती होगी। कामिनी और रणविजय की ये सब बात पार्वती सुन लेती है और वहाँ आकर कहती है, क्या देवर जी, बेटी का रंग काला और नाम दीप्ति रख रहे हो? इस नाम का अर्थ पता है ना आपको? हाँ भाभी, बहुत अच्छे से पता है। बेटी तो घर की असली रौनक होती है, चाहे वो काली हो या गोरी। ये बात पार्वती को पसंद नहीं आई और वो वहाँ से चली गई। पर पार्वती कामिनी को काली बेटी जन्म देने के लिए बहुत ताना दिया करती थी, पर कामिनी पार्वती की बात को दिल पर नहीं लगाती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। मोहिनी और दीप्ति अब थोड़ी बड़ी हो गई है। मोहिनी जितनी बड़ी होने लगी उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अपनी खूबसूरती को लेकर मोहिनी को भी बहुत घमंड था। वो भी हमेशा दीप्ति को नीचा दिखाती थी। ऐसे ही एक दिन दीप्ति जब एक अच्छा सा फ्रॉक पहनकर अपनी माँ के साथ बाजार जाने के लिए निकलती है, तब मोहिनी दीप्ति से कहती है, तू जितनी भी अच्छे कपड़े पहन ले, काली ही दिखेगी ना, और धूप में ज्यादा मत निकला कर, और भी काली हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है तू दिखने में सुंदर है, लेकिन अपने मन को भी जरा साफ और सुंदर बनाया करना। मैं तो तुझसे कुछ कहने नहीं जाती हूँ ना, मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। तभी वहाँ पार्वती आ जाती है और दीप्ति से कहती है, अरे तेरी जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है, बात करने की तमीज नहीं है क्या तुझमें? बदतमीज लड़की, रुक, तेरी माँ को बुलाती हूँ। कामिनी, अरे ओ कामिनी। तभी कामिनी वहाँ चली आती है। तब पार्वती कामिनी से कहती है, क्या रे कामिनी, अपनी बेटी को यही सिखाई है तूने? मेरी बेटी के साथ जुबान लड़ाती है? बच्ची समझकर माफ कर दीजिए दीदी। ठीक है ठीक है। कामिनी तब अपनी बेटी को लेकर बाजार चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया मोहिनी का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। उसको किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। देखते देखते मोहिनी अब शादी के लायक हो गई। उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के सभी गांव में फैल गई थी, इसलिए बहुत बड़े बड़े घर से शादी का रिश्ता आने लगी। पर जमींदार प्रताप ने तय किया कि किसी गरीब लड़के के साथ ही मोहिनी की शादी करवाएंगे। लेकिन क्यों पिताजी, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ, ऐशो आराम में पली बड़ी हूँ, तो फिर आप किसी गरीब घर में मेरी शादी क्यों देना चाहते हैं? सब सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, ये मेरा फैसला है और तुम्हें ये मानना ही होगा। ऐसे ही एक दिन एक अमीर घर का लड़का मोहिनी को देखने आते हैं। माफ कीजिएगा, मैं मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन मैं आप ही के परिवार से अपने घर के लिए बहू ले जाना चाहता हूँ। अगर आपकी बेटी ना हुई
तो आपके भाई की बेटी दीप्ति को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। दीप्ति की शादी उस लड़के के साथ हो जाता है। इससे मोहिनी को बहुत जलन होता है। इस काली कलौटी को राजकुमार जैसा पति और इतना बड़ा घर मिल गया। ये रिश्ता तो मेरे लिए आया था, पता नहीं क्यों पिताजी ऐसे जिद पकड़ कर रखे हैं। इसके कुछ महीने बाद प्रताप अपनी बेटी की शादी एक गरीब किसान के बेटे के साथ तय कर देता है। जमींदार की बेटी होने के बाद भी किसान के बेटे के साथ शादी तय करने पर उस किसान का बेटा मनोहर को शक होता है। जमींदार साहब, आप तो अपनी बेटी की शादी किसी जमींदार के बेटे के साथ भी करवा सकते थे, मुझ जैसे गरीब के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करवा रहे हैं? मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत दिनों से जानता हूँ। तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो। और रही गरीब होने की बात, मोहिनी मेरी इकलौती संतान है। मेरा जो कुछ है सब कुछ तो तुम्हारा भी है। पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर सब कुछ करना चाहता हूँ। ऐसी बात है, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। फिर कुछ महीने बाद मोहिनी की शादी मनोहर से हो जाती है। पर शादी के पहली रात ही मोहिनी को देखकर मनोहर को पता लग जाता है कि मोहिनी लड़की नहीं एक किन्नर है। ये क्या, तुम तो एक किन्नर हो। क्या किन्नर, वो क्या होता है? मनोहर कोई जवाब नहीं देता। और दूसरे दिन सुबह मनोहर और उसके माता पिता मोहिनी को लेकर प्रताप के घर जाते हैं। सबको एक साथ आते हुए देख प्रताप और पार्वती समझ जाता है कि मोहिनी का राज उन लोगों के सामने खुल गया है। अरे आप सब मेरे घर में, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? जमींदार साहब, हम लोगों को इस तरह धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने अपनी बेटी का राज हम लोगों से क्यों छुपाया था? क्योंकि मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं नहीं चाहता था कि किन्नर का बाप होने पर मुझे कोई समाज में ताना मारे, इसलिए मैंने तुम जैसे गरीब के साथ मेरी बेटी की शादी करवाई थी। तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मैं तुम्हारा भविष्य अच्छा बना दूंगा। जमींदार साहब, आपको क्या लगता है हम लोग गरीब हैं तो क्या बिक जाएंगे? आपको शर्म आती होगी एक किन्नर को अपनी बेटी कहते हुए, पर हम लोगों को एक किन्नर को बहू कहने में कोई शर्म नहीं आता है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसे छुपा के। किन्नर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। ये मेरे बेटे की किस्मत है जो उसे पत्नी के रूप में एक किन्नर मिली है, और ये बात हम लोग किसी से नहीं छुपाएंगे। आप लोग माँ बाप होकर अपनी बेटी को नहीं अपना पा रहे हो तो दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो? आज से मोहिनी हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर मनोहर के माता पिता मोहिनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रताप और पार्वती को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मनोहर और उसके माता पिता मोहिनी से बहुत प्यार करते थे, वो लोग खुश भी थे, बस एक ही कमी थी। सुनो जी, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, मेरे वजह से तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ। इस घटना के कुछ दिनों बाद दीप्ति जुड़वा बेटे को जन्म देती है, जिसमें से दीप्ति एक बेटे को मोहिनी के गोद में देकर कहती है, ये लो दीदी, अपने बेटे को संभालो, आज से ये तुम्हारा बेटा है। मेरा काम था 9 महीने अपने कोख में पालने का था, अब तुम ही इसे संभालो। दीप्ति की ये बात सुनकर मोहिनी रो पड़ती है और दीप्ति से कहती है, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मैंने और मेरी माँ ने बचपन से लेकर आज तक तुझे बहुत खड़ी खोटी सुनाई है। आज तेरी वजह से मुझे माँ होने का सुख मिल रही है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दे हम लोगों को। मैं तो तुम पर कभी नाराज थी ही नहीं, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे इतना अच्छा पति और ससुराल मिला है। ये रिश्ता तो तुम्हारे लिए ही आया था और किस्मत को भी यही मंजूर था, इसलिए ही तो मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है। फिर मोहिनी और मनोहर भी अपने बेटे के साथ
खुशी खुशी रहने लगे।